दुनिया में लगभग 3000 खरबपति हैं। हर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे लोग लंबे समय से इस सूची में हैं। क्या इन खरबपतियों की दौलत का कुछ हिस्सा सरकारें गरीबों के लिए ले सकती हैं? ज्यादातर खरबपति अधिक टैक्स देने पर सहमत नहीं होंगे। इलॉन मस्क को ही लीजिए, वैसे तो हाल ही में टेस्ला के शेयरों के दाम गिरे तो उनकी संपत्ति आधी रह गई, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने ये दौलत मेहनत से कमाई है। आपको आत्मविश्लेषण में गंभीर होना चाहिए। निश्चित तौर पर बेहद सख्त बनिए और फिर पागलों की तरह काम करिए। मतलब हर हफ्ते 80 से 100 घंटे तो काम करना ही पड़ता है। दुनिया की समृद्धि बढ़ी है तो खरबपतियों की संख्या भी बढ़ी है। 2001 में 538 खरबपति थे, जो चार गुने हो गए। 2016 में 1810 खरबपति थे। महामारी के दौरान यानी 2020-21 में इनकी संख्या थोड़ी घटी, लेकिन 2021 में इसमें बड़ा उछाल आया और साल के आखिर तक 2755 खरबपति हो गए। लेकिन ऐसे निवेशकों की संख्या भी बहुत है जिन्होंने खरबपतियों के बिजनेस में निवेश करके दौलत कमाई। अगर आप अमेज़न के स्टॉक की वित्तीय सफलता को देखें, मेरे पास उसके 16% शेयर हैं। अमेज़न लगभग $1 trillion की कंपनी है, यानी पिछले 20 साल में हमने जो बनाया है उससे दूसरे लोगों के लिए $840 अरब की संपत्ति बनाई है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो मानता हूँ कि फ्री मार्केट में उद्यमी पूंजीवाद दुनिया की कई समस्याएं हल कर सकता है। खरबपति नौकरियां पैदा करते हैं, उदारवादी अर्थशास्त्री इससे सहमत हैं। So the more capital we have, irrespective, चाहे किसी के भी पास हो, जितनी ज्यादा पूंजी होगी श्रम उतना ज्यादा उत्पादक होगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि पूंजी तभी बढ़ सकती है जब इसे श्रम के साथ मिलाया जाएगा। इसलिए दुनिया की संपत्ति और पूंजी बढ़ रही है तो इससे श्रम बाजार को भी लाभ हो रहा है। यानी अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ते धन के अंतर को कम होना चाहिए, लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं हो रहा है। मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट की संपत्ति $100 अरब से ज्यादा है। वो भी मानते हैं कि गरीब और अमीर के बीच खाई चौड़ी हो रही है। ये सच है कि अत्यधिक अमीर लोग और ज्यादा कहीं ज्यादा धनी हुए हैं, और राष्ट्रीय संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ चला गया है और मध्यम वर्ग से दूर हुआ है। वैश्विक संपत्ति का बंटवारा कुछ इस तरह होता है। धनी लोग दुनिया की आबादी का बस 1% हैं, लेकिन उनके पास दुनिया की कुल संपत्ति का 46% हिस्सा है। अगर आप उच्च मध्य वर्ग के लोगों को भी मिला दें तो दोनों मिलाकर दुनिया की आबादी का 12% हिस्सा बनते हैं। उनके पास दुनिया की कुल संपत्ति का 85% हिस्सा है, और दुनिया की कुल संपत्ति का सिर्फ 1% हिस्सा कितने लोगों के पास है? दुनिया के 55% लोगों के पास, जो गरीब हैं और सालाना 10 लाख रुपये से कम कमाते हैं। तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की उन्नति कैसे होगी? कुछ जानकार कहते हैं कि सरकार इन लोगों को यूनिवर्सल बेसिक संपत्ति दे। आइडिया ये है कि 20 वर्ष के युवाओं को 20,000 यूरो दिए जाएं और उन्हें इस रकम को एक साथ खर्च ना करने दिया जाए, बल्कि कहा जाए कि वे इसका इस्तेमाल और ज्यादा संपत्ति बनाने में करें। 20,000 यूरो यानी लगभग 15 लाख रुपये का इंतजाम करना हर किसी के बस में नहीं है, तो सरकार ये रकम देकर नया कारोबार शुरू करने, घर बनाने या फिर पढ़ाई करने में लोगों की मदद कर सकती है। इस आइडिया को आजमाया तो नहीं गया है, लेकिन आजमाया जरूर जा सकता है।